सो व्हाट्स अप गाइस, इट्स योर दीक्षित है एंड आज का ब्लॉग कुछ इस तरह से कि हम लोग कोई प्लान ही था ब्लॉग शूट करने का, तो जस्ट हम अपनी प्रैक्टिस प्लेस पे आज वीडियो शूट करने वाले हैं। और हमारे साथ ये बाइक्स हैं जो आपको दिख रही हैं, जो कि डेली होती है हमारे साथ। ये है अनिकेत भाई की एक्सपल्स, जो कि कस्टमाइज है, देख सकते हो डेल्टा डी लगा हुआ है एंड रैली सीट लगा हुआ है बट नॉट फुल रैली किट। और ये अपनी फॉक्सी, और भाई ये रिदम का बुलेट है, और ये राहुल की स्कूटी है, और ये भाई की एनएस है। और बुलेट देखो यार, बुलेट का क्या बना दिया, मतलब मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, बट बढ़िया है। इसने लाइट वेट करने की कोशिश करी है इसे, और लुक देख सकते हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा थोड़ा यूनिक लग रहा है। पता नहीं लग रहा कि किस तरह से इसने कस्टमाइज़ करवाया, पर बढ़िया है। मतलब इसमें फिनिशिंग करना बाकी है, अभी फिनिशिंग हो जाएगी थोड़े टाइम में। ट्रैक जस्ट नॉर्मल ही है, ये देखो यहाँ से ऐसे राउंड में इस तरह से और इस तरह। सो ये वाला टर्न काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, और यहाँ पे मैक्सिमम बंदे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आते हैं। सो गाइज, अभी वन बाय वन ये लोग प्रैक्टिस करेंगे, लैप काउंट करेंगे हम लोग, कौन कितने टाइम में ये लैप कवर कर रहा है। और भाई मुझे तो ये खतरनाक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इसे देख के, बट ठीक है। अभी यहाँ पे फिनिशिंग काफ़ी बाकी है एंड यहाँ से कटिंग होगी। सो गाइज, अनिकेत भाई क्या हुआ, आवाज़ यार इसका थोड़ा कस्टमाइज़ करवाया मैंने एक्सॉस्ट को, राइड लेके देख पावर बता मेरे को कम है ज़्यादा है। सो गाइज, यहाँ पे हम लोग अपने सेफ्टी गियर्स आज लेके नहीं आए, सो जस्ट अपने राहुल अपनी पैंट लेके आया था और मुझे नहीं पता था कि ये लेके आ रहा है, सो अभी ये पैंट चेंज कर रहा है। और गाइज, तुम लोगों को बता दूँ, सेफ्टी गियर्स ये फॉक्स का पैंट है और ये कोई नॉर्मल पैंट नहीं है। इसकी कॉस्ट बता दे भाई, 12,000 इसकी कॉस्ट होती है, और मतलब काफ़ी ज़्यादा तुम्हें लगेगा कि सिंपल पैंट है, बट इंडियन ब्रांड नहीं है ये चीज़, देख सकते हो फुल रबर का है। सो अभी अनिकेत भाई हमारी फॉक्सी की रेड ले रहे हैं, फुल फॉर्म में हो नहीं? और रिदम भाई कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। तो अनिकेत भाई राइड लेने के लिए जा रहे हैं, उनकी बाइक ये है, अनिकेत भाई की बाइक की है, कम हाइट की है और वो काफ़ी ज़्यादा हाइट है, बट भाई भगा रहा है लड़का काफ़ी। सो गाइस, अपना राइडर रेडी हो चुका है, और भाई कैसा लगा आपको? मज़ा आया। पावर का क्या रिस्पॉन्स है? फ्रैंक हो गया बताओ, कैमरा ठीक है भाई? ठीक है, मीडियम है कि कम है? आपसे आपसे कम है थोड़ी, मेरे से थोड़ी कम है शायद, कम है ना? हाँ, तू इधर। सो भाई, ये क्या चीज़ है, मतलब किस तरह से आपने कस्टमाइज करा इसे? ये थोड़ा हमने कैफे रेसर बनाने का सोचा था, बट अभी इससे थोड़ा और वर्क होगा, क्योंकि एक बार में कोई चीज परफेक्ट नहीं हो जाती, तो उसको भी यहाँ से कटवाएंगे, थोड़ा और शोर करेंगे, और इसमें फेंडर बनाएंगे पहले पीछे का, और भी थोड़ी मॉडिफिकेशन करवाएंगे, अभी पूरा रिवील नहीं करेंगे वरना बंदे देखेंगे थोड़ी। आज हम एनएस चलाएंगे सोच रहे हैं। एनएस भाई कटिंग नहीं है इसकी, और ये यहाँ पे ट्रैक पे कटिंग करना बहुत मुश्किल है इसका। गाइस, एक बार हम अनिकेत भाई की राइड लेके देखते हैं, काफ़ी छोटा बाइक है, बहुत छोटा बाइक है यार, और इसको तो मतलब ना मैं यहाँ पे ठीक भगा लूँगा, अपना एग्जॉस्ट करवा दूँगा ऐसा करवाना, मैं बताऊँगा तेरे को ना, दो क्लिप निकालना अंदर की, पाँच पाइपें हैं इस एग्जॉस्ट में, दो पाइपें निकलवाना। हाँ, इस हेलमेट को लगा देना ब्लॉग बना देता तेरा। किस हेलमेट को? क्या मतलब समझ नहीं लगा, मैं ब्लॉग बनाते हैं यहाँ से खड़े होकर तेरा। स्कूटनी की टाइमिंग है? नहीं, मैं इसमें दिखा दूंगा ना, फिर आगे वाला बना देना तुम। अभी यहाँ टाइमिंग निकालेंगे पूरा ब्लॉग। टाइमिंग मत निकालना, मैं टाइमिंग नहीं मार रहा अभी। साउंड नहीं पर पावर ज़्यादा है यार इसकी। सो गाइज, अभी राहुल जा रहा है अनिकेत भाई की बाइक लेके एक रैकी करने के लिए जा रहा है। और यहाँ पे गिर चुका है ये। टाइम आउट। साथ में हमारे एक राइट से नहीं यार, राइट में बेकार सीन है। गाइस, यहाँ पे राहुल है और यहाँ पे मैं हूँ, तो हम लोग ना एक छोटा सा लैप करने वाले हैं। हम दोनों ने अभी राइड लेके देखा तो बढ़िया था, मतलब कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे थोड़ा सा उखड़ा हुआ है, बट उखड़ा है बट चलेगा ये, और बाकी बाइकर्स रेडी हैं, अभी हम लैप स्टार्ट करेंगे। तीन लैप मार रहे हो अब, अभी आप कुछ बताओ कि कौन बीट कर सकता है आपको और कौन नहीं कर सकता। मेरे को सभी बीट कर सकते हैं। ऐसे मत बोलो यार, सभी बीट कर सकते हैं।
नहीं यार, साहिल साहिल भी बीट कर सकते हैं, हर कोई बीट कर सकता है, साहिल भी कर सकता है, हर कोई बीट कर सकता है। स्किल्स के बारे में कुछ बताना चाहते हो? स्किल्स अभी तो मैं खुद सीख रहा हूँ, ट्रेनिंग मतलब सीख रहा हूँ, मतलब मेरे को मतलब थ्योरी पता, प्रैक्टिकल इतना नहीं पता है। ओके, बात वैसी है। बताओ, बताना चाहते हो कुछ कैमरा में? बस डर के आगे जीत है। ओके, डर के आगे जीत है। कौन स्टार्टअप दे रहा है? तू दे रहा है स्टार्टअप? ये देगा। अच्छा, रिदम देगा। सो भाई, अपने साहिल भाई जा चुके हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। और ये लीन मैन की हालत बुरी हो गई और वो गिर चुके हैं, और ये अभी फर्स्ट राउंड में बाहर हो चुके हैं, ये फर्स्ट राउंड में बाहर हो चुके हैं। रोकना मत, रोक। इनकी हालत खराब हो चुकी है। हो गया आपको? ये कैसे गिर गए आप? ये क्या कर रहा है वो? अरे भाई, ये क्या मजाक कर रहे हो यार? आप क्यों ऐसे मजाक करते हो? अनिकेत भाई का दिल को बार बार गिरा रहे हो। जान को पेल रही हो सालो। यहाँ पे बोल, जान को पेल रही हो। टायर लगाओ भाई इसका। पेल दी तुम लोगों ने मेरी जान। भाई बताओ क्या हुआ? वो देख ले यार, टायर स्पीड हो जा रहा है यार, ग्रिप नहीं बन रहा। सो गाइस, इनका ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे काफी ज्यादा ये कर्व बन चुका है, दैट्स व्हाई बाइक स्किट हो रही है। अगला नंबर है राहुल भाई का। राहुल भाई काफी खुश हो रहे हैं कि मेरा कॉम्पिटिटर हार चुका है। कोई कॉम्पिटिशन नहीं लग रहा भाई, हो ये सिर्फ एक खेल हो रहा, प्रैक्टिस, जस्ट फन। तो गाइस, नेक्स्ट जो नेक्स्ट राइड जो कर रहे हैं वो है राहुल शेरपा, और ये फॉक्सी में कर रहे हैं। इनका टाइमर भी यहाँ पे चला हुआ है। तो कल राहुल ने टाइम मारा था, कितना मारा था इसने? 32 So, आज देखेंगे भाई को। बाइक स्टार्ट नहीं हुआ, मार्क मार्क बोल। सो गाइस, बहुत बढ़िया। अरे भाई, अरे भाई, ओ भाई, पेड़ से ना पॉइंट कर गया, गया था, मतलब गिरने ही वाला था पर बच गया। सही है भाई, सही है। काफ़ी अच्छी टाइमिंग नोट कर रहा है यार, ये काफ़ी अच्छी टाइमिंग है। बढ़िया भाई, बढ़िया। कितना टाइम आया अभी? 35। इनका एक और बात बोलना चाहता हूँ, देखो हमारे छोटे मोटे क्रैश में ये होता रहता है, पूरा मतलब नागिन बन गई इसकी अब, और मतलब स्लीपर क्लच, मतलब एकदम पावरफुल क्लच बन चुका है। आप ट्राई करना चाहते हो? क्यों, क्यों नहीं जरूरत है? पैर पर चटाने। तो डर क्यों रहा है तू यार? डर क्यों रहा? हाँ यार, इतना नहीं डरते यार। देखो इसका टाइमिंग निकाल दे, इसका भी कितना टाइम निकाल दे। बहुत ही अच्छा स्टार्टर, बट ओह नो, बहुत ही अच्छा चला रहे दीक्षित। गाइस साइड प्लीज, देख सकते हैं आप लोग भाई पूरे ड्रिफ्ट के साथ आ रहे हैं यार, बहुत ही, ओ यार मतलब बहुत ही, ओ नो। लास्ट राउंड ब्रो, लास्ट राउंड, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट ब्रो। हाँ नहीं नहीं तीन हो गया ब्रो। कैसा लगा फिर भाई एक्सपीरियंस? यार क्या करें, ये देख सकते हो गाइस ट्रैक, ट्रैक का हालत कैसा इस टाइम, बहुत ही बुरा हालत है। ये देखो पूरा मतलब ये वाला जो कॉर्नरिंग है बहुत ही वो हो चुका है, ये देखो कैसे जाते हैं। ओह नो, इट्स सो हार्ड। अभी थोड़ा सा मतलब चेक कर रहे हैं, रैकी मतलब रैकी कर रहे हैं दीक्षु भाई, देख रहे हैं मतलब कि ट्रैक में क्या क्या होनी है, थोड़ा सा रैकी के बाद फुल ड्रिफ्ट के साथ चल रहे हैं। ट्रैक का हालत ख़राब हो गया, देख सकते हो गाइस ट्रैक का हालत इस टाइम। सो गाइस, अभी आ रहा है बुलेट जो कि फुल कस्टमाइज करवा रखा है साहिल ने, और लास्ट टाइम इससे एक्सपल्स क्रैश हो गया था यहाँ पे, आपने देखा अभी। सो अभी ये ट्राई करेगा अपनी पावरफुल मशीन में। सो देख सकते हो गाइस, मतलब इसने वेट लूज़ करने की फुल कोशिश करी है, जितना ज़्यादा निकाल सकता था तो उससे ज़्यादा निकाला हुआ है इसने वेट। मतलब ये काम से अच्छा टाइमिंग ये इस बुलेट से, क्या बुलेट से अच्छा चला रहा है, है ना? हमारा ड्रिफ्ट कर रहा है, बिना ड्रिफ्ट के ले जा रहा है। सो गाइस, साहिल बुलेट से अच्छा टाइम कवर करेगा, ऐसा
राहुल बोल रहा है 3 2 1 गो। सो भाई बहुत अच्छा स्टार्टअप दिया है, वो देखा रहा स्किट ही नहीं हो रहा, अरे हो गया यहाँ पे यहाँ पे सारे कैमरा बंद नहीं होगा भाई, ऑन रहेगा भाई, कैमरा ऑफ नहीं होगा, देख सकते हो गाइस। ये क्या हो गया भाई, मुझे अभी इसके पीछे का रीजन बताओ भाई। मैं तो कैमरा ऑन कर रहा तो ही गिर रहा हूं मैं, मतलब जितना तेरे से होता है ना उतना ही कर, तू कुछ ज्यादा करने की क्यों सोच रहा है? एक बार होता, दो बार होता यार, तीसरे बार भी गिरा दिया फर्स्ट टाइम में। अब देख चल चल चल, कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू बार गिरा तो एक क्लिप ये क्लिप नहीं डालूंगा, टेंशन मत ले तू। सो गाइस एंटोर्क में आ चुका है राहुल, और एक बात बता दूं, एंटोर्क एक ऐसी स्कूटी है, एंटोर्क एंड एप्रिला, जो कि एक रैली में यूज होता है। सो आप लोगों के पास अगर आप ये व्हीकल को आप यूज़ करते हो तो आप भी रैली में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो भाई रेडी हो? 1 2 3 गो। सो यहाँ से राहुल ने स्टार्ट कर दिया है, 3 लैप है और टाइम भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ओ भाई ये ले भाई, लग कि ना सेम टाइमिंग स्कूटी ने निकाली है 40 सेकेंड। तो साहिल कैसा लग रहा है आपको? तो अगेन साहिल जा रहा है, साहिल बोल रहा है कि मुझे अब स्कूटी में भी ट्राई करना है, और यहाँ पे गिर गया, गिर गया नहीं पर काफ़ी अच्छा था। ओ भाई 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 नागिन बना रहा पूरी है। यहाँ पे क्रैश हो गया, यहाँ पे क्रैश हो गया गाइस। रहने दे, अब बाद में करते हैं। कितने टाइम हो गया था यहाँ क्रैश तक? यहाँ तक 34, मतलब कि 34 में कंप्लीट हो जाना था, यहाँ पर 31 हुए थे। सो गाइस यहाँ पे हमारा ब्लॉग कंप्लीट होते हुए है, किसी को अभी भी मुझे है, ये हम करेंगे बाद में जब कल गाइस हम एक और टाइमिंग नोट करेंगे बढ़िया से। कोई प्लान नहीं था ब्लॉग शूट करने का, ये तो जस्ट मुझे करना पड़ा। गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, आई लव यू ऑल गाइस।